বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার হওয়া দুটি ময়ূর উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিল পিএসএফ। বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার হওয়ার সময় দুটি বিরল প্রজাতির ময়ূর উদ্ধার করল পিএসএফ। গতকাল সন্ধ্যে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের মাটিয়াড়ি পিওপিতে যখন বিএসএফ এর জওয়ানরা টহল দিচ্ছিলেন, তখন বাংলাদেশ থেকে দুজন পাচারকারী দুটি ব্যাগে করে কিছু পাচারের উদ্দেশ্যে জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষা করছিল। তখন টহলরত বিএসএফ জওয়ানরা তাদের চ্যালেঞ্জ করলে ওই ব্যক্তিরা ব্যাগ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। এরপর ফেলে যাওয়া ব্যাগ থেকে বিএসএফ উদ্ধার করে দুটি বিরল প্রজাতির ময়ূর। আজ ময়ূর দুটিকে রানাঘাট বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। हम सीमा सुरक्षा बल 54 बटालियन कंपनी हेडक्वार्टर बानपुर की आउटपोस्ट पीओपी मटियारी में हमारे जवान गश्त कर रहे थे। कार के अंदर बांग्लादेश साइड तो गश्त के दौरान ही उन्हें कुछ हरकत नज़र आई जंगल के बीच में। उधर बहुत ज़्यादा घने पेड़ थे, जैसे जवान आगे बढ़े तो उन्हें दो बंदे दिखाई दिए, उनके हाथ में झोला था, उन्हें चैलेंज किया तो वो सामान छोड़ के भागे, बंदे तो भाग गए। वहाँ से तकरीबन 20-25 मीटर पिलर था, बांग्लादेश में क्रॉस हो गए। बंदे जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वाइट पिको। कितने थे पिको? कितने थे पिको? दो। इसको लेकर आप क्या करने वाले हैं? बस इसको अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में देंगे, फॉरेस्ट वाले इसको आगे जू में भेजेंगे। ये जो पिको ये सबको मिलता है सब जगह पर? नहीं, सब जगह नहीं है, तो मुझे लगता है तो इंडिया का तो नहीं है, हो सकता है कहीं और अदर कंट्री से बांग्लादेश में आया हो। क्योंकि बांग्लादेश से इंडिया आया है ना, इंडिया से बांग्लादेश? बांग्लादेश से इंडिया में लाने की कोशिश थी हमारे जवानों ने, उसको अंदर ही पाचर हो रहा था। पाचर हो रहा था जी। कोई साजिश है कोई प्रतिवेशी देश का? हो सकता है तस्करों के द्वारा है, वो थोड़ा इनकम के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं जो कि इलीगल है, नहीं होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम अली हैदर है, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में। নদিয়া থেকে মলয়দের রিপোর্ট, টাইমস বাংলা।